हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 1 से 6 कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 7 से 12 कवर करेंगे, तो बने रहिए बच्चों वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बच्चों क्या दिया है हमें, हमें गिवन है डायगोनल्स, हमें डायगोनल्स दिए हैं किसके बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। और ये क्या है ये बच्चों, ये डायमीटर्स हैं। डायगोनल्स क्या हैं, डायमीटर्स हैं। तो हमें बच्चों बताना है कि ये सर्कल क्या करता है, इस सर्कल के, ये सर्कल मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टिसेस कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं बच्चों, एक सर्कल पर हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल होगा। डायग्राम हम बना लेते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें प्रूफ क्या करना है और क्या गिवन है, ठीक है बच्चों। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ए बी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी इज अ, हम लिख देते हैं सबसे पहले यहां पर गिवन, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो कहां होंगे बच्चों, सर्कल पे होंगे। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स एंड डायमीटर, ठीक है बच्चों। ए सी और बी डी यहां पर क्या होंगे, ए सी एंड बी डी हमारे पास क्या होंगे बच्चों, ए सी एंड बी डी विल बी the diameter as well as the diagonals, है ना। तो हमें प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हम यहां पर करते हैं प्रूफ, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि ए बी ए सी इक्वल बी डी, ठीक है। ए सी और बी डी इक्वल है, अब ये इक्वल क्यों है, दीज आर दी डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चों। जो सर्कल हमारे पास है ओ सेंटर वाला, है ना बच्चों, उसके ये क्या हैं, दोनों डायमीटर्स हैं। डायमीटर्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं ऑलवेज, ठीक है। अब ए सी बी डी के बाद हम बढ़ते हैं किस तरफ बच्चों, हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये सारी की सारी लेंथ इक्वल होंगी आपस में, ठीक है। इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से ये क्या है, पॉइंट हम जो ले रहे हैं ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट और उसको मिलाने वाली जो आपके पास लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, वो एक रेडियस होगा। दीज विल बी द रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। हमारे पास ए सी और बी डी इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये हैं डायमीटर्स, और हमारे पास ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब इक्वल है क्योंकि दीज आर दी रेडियाई ऑफ दी सर्कल। अब ये तो है बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1, और हम थोड़ा इसको इम्प्लॉइज करके अगर लिखते हैं तो बच्चों देखो, ओ ए की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो ओ सी के इक्वल होगी, और वो होगी हाफ ऑफ ए सी, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से यहाँ तक ये ए सी है, ए सी का मिड पॉइंट ओ होगा, मिड पॉइंट न भी हो तो भी क्या होगा, ओ ए ओ सी तो इक्वल है ना बच्चों, रेडियस है, और ए सी की अगर डायरेक्ट डिस्टेंस देखी जाए तो ये क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी यहां पर,
कुल मिला के हम ये जो सेंटेंस लिख चुके हैं इसी को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके और लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे ओ बी इक्वल ओ डी इक्वल हाफ ऑफ बी डी। ठीक है बच्चों, अगर बी डी की बात आप करोगे, बी से डी की बात करोगे, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भी ओ से बी और ओ से डी तो क्या है, रेडियस है, आपस में इक्वल, और ये हाफ बी हो रही है, हाफ ही हो रही है ना ये। तो अब जब हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी, तो हमें यहाँ लिखना है इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू इसको देना है बच्चों, और फ्रॉम वन एंड टू, अब जो हमारे पास इक्वेशन वन है, अभी हमने इक्वेशन वन लिखी थी यहाँ पर, आपने उसका नोट अगर किया हो, तो इक्वेशन वन और ये जो इक्वेशन टू है, इससे हम लिख पाएंगे कि ए बी सी डी विल बी अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बिकॉज बिकॉज बोथ द डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, देखो क्या हो रहा है, ओ ए और ओ सी, ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल है, मतलब कि यहां पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपस में इक्वल भी हैं, तो ये जो है कंडीशन किसके लिए फॉलो होती है बच्चों, ये रेक्टेंगल के लिए फॉलो होती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी डी जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी बच्चों। ये कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन एट पर। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कि हमें एक ट्रेपेजियम दिया है। ठीक है बच्चों, ट्रेपेजियम दिया है, और ये ट्रेपेजियम जो है बच्चों हम करते हैं ड्रॉ, तो ऐसा कुछ ट्रेपेजियम हमारे पास मिलेगा, हमें ट्रेपेजियम है ना। अब इस ट्रेपेजियम में हमें क्या गिवन है बच्चों, कि ये जो साइड आपको दिख रही है, ये जो साइड आपको दिख रही है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है, जो पैरेलल नहीं है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो बच्चों हमें ये बताना है कि क्या होगा इसके अंदर, इसको अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसको हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, तो हमें ये बताना है बच्चों कि ये जो आपके पास डायग्राम बना है, इसके अंदर जो ट्रेपेजियम है ये क्या है बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या साइक्लिक ट्रेपेजियम है, हमें इसको प्रूफ करना है। सपोज करते हैं बच्चों, ये होगा हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम गिवन, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ओके, इन विच ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी सी बी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ए डी सी बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, है ना बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, टू प्रूव में लिखना है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है, प्रूफ हमें ये करना है। ठीक है बच्चों, ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है, हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए यहां पर जो ए बी है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डी ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है बच्चों, ई और एफ हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर हम करेंगे डी ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने किया है कंस्ट्रक्शन। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं बच्चों, प्रूफ, तो प्रूफ में हम लिखेंगे बच्चों, इन इन
ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल की बात करते हैं हम, कौन कौन से ट्राइंगल की, ए ई डी, ए ई डी एंड ट्राइंगल बी एफ सी। ठीक है बच्चों, ए ई डी और बी एफ सी की अगर बात हम करते हैं, है ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम, कंपेयर। ठीक है, तो इसमें कंपेयर करते हैं, तो बच्चों देखिएगा आप लोग, सबसे पहले तो ए डी जो साइड होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों, बी सी के, जो कि हमें क्या है, गिवन है, है ना बच्चों। सबसे पहले हमें ये चीज़ गिवन है, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले ए डी इक्वल टू बी सी, सबसे फर्स्ट जो थी वो हमें, फर्स्ट थिंग हमें, हमने लिख दिया। अब लिखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ए ई सी, नहीं ए ई डी, है ना बच्चों। एंगल ए ई डी की बात अगर की जाए तो ये इक्वल होगा बच्चों बी एफ सी एंगल के, जिसे हम कहेंगे 90 डिग्री ईच, है ना। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं भैया, परपेंडिकुलर्स तो 90 डिग्री के ही बनते हैं, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन सेम द लाइन सेगमेंट, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं द लास्ट थिंग कि बच्चों ई डी को मैं लिखूंगा, ई डी को लिखूंगा मैं एफ सी के इक्वल। ठीक है, ई डी को एफ सी के इक्वल क्यों लिख रहे हैं या ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो इसका हमें रीज़न लिखना है, है ना, हमें क्या लिखना है, रीज़न। तो हम लिखेंगे ऐसा, सिंस, देखिए बच्चों सिंस हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर देयरफॉर अब हमने क्या कर रखा है, ए बी और सी डी तो पैरेलल है, और हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बच्चों, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ई डी परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो है ना बच्चों। अब जो परपेंडिकुलर, देखिए दो लाइन सेगमेंट के बीच में जहां पर भी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट कोई ड्रॉ किया जाएगा तो ऑलवेज वो क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी ना भाई। जो आपके पास मान लिया एक रेलवे ट्रैक है, तो इस रेलवे ट्रैक के बीच में की डिस्टेंस तो हमेशा बीच की डिस्टेंस इक्वल ही होती है ना, कभी ये मिलती है क्या आपस में, ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलती। हमने क्या करा है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस जो होगी, लेंथ, वो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे इसको कि ED ED इक्वल एफ सी ऑलवेज, है ना, ED FC के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं इक्वल, ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास क्या हो गई है, इक्वल, AD इक्वल टू BC, तो ये क्या है, ये तो है साइड, ये है एंगल, और ये क्या है हमारे पास, साइड। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड से, बच्चों साइड एंगल साइड से हम ये कह सकते हैं कि AD ट्राइंगल AED AED कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों किसके, BF सी के बाय साइड एंगल साइड एक्सियम। ठीक है बच्चों, बाय साइड एंगल साइड एक्सियम से हमेशा कह सकते हैं, ठीक है, साइड एंगल साइड से हमेशा कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद सबसे पहला टास्क जो होता है बच्चों हमारा होता है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सी पी सी टी, सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे कि एंगल ए एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, बी के, है ना, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ए दिख रहा है ना हमें, यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको एंगल वन मान लेते हैं, ये एंगल वन और ये एंगल टू, ऑल्सो देखिए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये भी हम लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अब बच्चों देखो, अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखिए ज़रा, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स कितने डिग्री के एंगल होंगे, ये होंगे 90 डिग्री के, ठीक है 90 डिग्री के। तो देखो बच्चों, जब हमारे पास वन और टू इक्वल है एंगल, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस एंगल वन में प्लस करता हूँ 90 डिग्री, और इस एंगल टू में भी मैं क्या करता हूँ बच्चों, 90 डिग्री प्लस करता हूँ, प्लस कर सकते हैं इक्वल अमाउंट, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो अगर 90 डिग्री का एंगल इसमें हम प्लस कर चुके हैं, है ना, अगर हम प्लस कर चुके हैं 90 डिग्री का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है बच्चों
कि यहाँ अगर हमारा एंगल 1 था, मैंने इसमें 90 डिग्री और प्लस कर दिया तो मेरे पास एंगल बन जाएगा बच्चों ADC। क्या हो जाएगा ये एम्प्लॉयज होने से बन जाएगा ADC। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको। ये एंगल 1 आया था क्योंकि D के 2 पार्ट हो रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट 1 में मैं 90 डिग्री प्लस करता हूँ और यहाँ पर C के 2 पार्ट्स हो रहे हैं तो मैं 2 में 90 डिग्री प्लस कर रहा हूँ, तो इससे मुझे मिल रहा है क्या, एंगल BCD। ठीक है, ये है ना, 1 में 90 प्लस किया, 2 में 90 प्लस किया, तो यहाँ पर ADC बन गया, यहाँ पर BCD बन गया, और ये अल्टीमेटली हमें क्या दिखा रहा है बच्चों, हमें इससे ये पता चल रहा है कि एंगल D एंगल C के इक्वल है। ठीक है बच्चों, एंगल D एंगल C के इक्वल है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसे देना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बात बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको, इक्वेशन 1 और 2 तक आप पहुँच चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, नाउ हम लिखेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D की बात की जाए तो ये कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री का एंगल होगा, बाय किससे लिखेंगे, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख पाएंगे। और अगर इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ यहाँ पर किया जाए तो बच्चों हमारे पास एंगल A एंगल B के इक्वल आ रहा है और एंगल C एंगल D के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल A प्लस एंगल A, ठीक है बच्चों, बाय इक्वेशन 1, एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या कर दिया है, हमने वैल्यूज पुट कर दी है A और C की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल A हो जाएगा और 2 टाइम्स एंगल C हो जाएगा, मैं 2 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 360 डिग्री डिवाइड बाय 2, मीन्स ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल A प्लस एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर बात की जाए बच्चों अगले पेयर की, एक और पेयर की भी बात कर लेते हैं हम, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल A और एंगल C 180 डिग्री के होंगे, एंगल B और एंगल D 180 डिग्री के होंगे, तो हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD विल बी अ साइक्लिक ट्रेपीजियम बिकॉज पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स मेजर 180 डिग्री ईच। ठीक है बच्चों, दोनों पेयर की बात हम कर लेते हैं कि दोनों पेयर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 180 डिग्री का पेयर बना रहे हैं, उनको ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक साइक्लिक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है हमारी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स B एंड C। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पास टू सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों B पॉइंट और C पॉइंट पर। ठीक है, थ्रू B टू लाइन सेगमेंट्स ABD, देखिए बच्चों B से ABD लाइन सेगमेंट और B से PBQ लाइन सेगमेंट को हमने ड्रॉ किया है, और ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स 8A and D एंड PQ रेस्पेक्टिवली। अब ये फिगर हमें देखना है कि बाकी सब फिगर से आप देख लीजिए कि क्या 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 हो रहा है। तो हमें बताना है कि ACP है ना बच्चों, कि ACP जो एंगल है, ये वाला एंगल है ना बच्चों, ये एंगल किसके इक्वल है बच्चों, इस एंगल DCQ के इक्वल है, ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख दें सिर्फ टू प्रूफ, है ना बच्चों, गिवन तो आपके पास बहुत सारा है जो कि आपको डायग्राम में से दिख ही रहा है ना, थोड़ा पेचीदा दिख रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को देखकर हमें डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, टू प्रूफ मैं लिख दूंगा, मैं एंगल ACP को मुझे प्रूफ करना है एंगल QCD के। अब क्योंकि ये जाल है ना, बहुत माया जाल है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसे मैं एंगल
वन देता हूँ, नेम देऊंगा इसको एंगल वन और एंगल टू, दैट इज करके लिख देंगे कि एंगल वन को एंगल टू के इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, वन टू, और हमें यहाँ देखना है बच्चों ये आपको जो स्मॉल एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल है एंगल थ्री, और ये है एंगल बच्चों यहाँ पर स्मॉल एंगल जो आपको दिख रहा है ये एंगल फोर है, ठीक है। हमें ये आपको दिखाना है, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसे थ्री नाम दे देंगे हम और इसे दे देंगे फोर। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है वो लिखेंगे प्रूफ के अंदर एंगल वन को इक्वल बताएंगे बच्चों एंगल थ्री के, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी वन, ठीक है। और एंगल हम लिखेंगे बच्चों टू इक्वल एंगल फोर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू। सिंस हम ये लिखेंगे कि एंगल वन एंड एंगल थ्री, एंगल वन एंगल थ्री लाइज इन सेम सेगमेंट, ठीक है बच्चों। और हमें यह लिखना है एंगल टू एंड एंगल फोर लाइज इन सेम व्हाट बच्चों, सेगमेंट, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये के लिखना है कि एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल हैं। अब क्या है यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पर, इस टाइप से ये हमारा है, देखो कि ये पॉइंट है हमारा ए, है ना। अब इस ए पॉइंट से और पी पॉइंट से, है ना बच्चों, इसको ए मान लीजिए और ये पी पॉइंट है आपका। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एंगल ऐसा बन रहा है ये, और एक एंगल बन रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये वन और ये टू अगर है तो ये आपस में होंगे इक्वल, क्योंकि ये जो बच्चों ये जो हमारा सेगमेंट है इससे बन रहे हैं ये दोनों एंगल, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, यहाँ पॉइंट लिया, इस पॉइंट से ये बना हमारा एंगल, और ये पॉइंट लिया और इससे ये हमारा एंगल बन गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट से, है ना। देखो यहाँ अगर क्यू पॉइंट ले रहे हैं हम और ये डी पॉइंट ले रहे हैं, तो ये एंगल बनेगा ऐसे और ये एंगल बनेगा ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये हमने यहाँ पर लिखा है, बस ये इतना सही हमें ध्यान रखना था। और अगर ऐसा हो गया है तो बच्चों एम्प्लॉइज करके मैं एक चीज़ और यहाँ लिखूँगा कि देखो थ्री और एंगल फोर इक्वल है, एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के, ठीक है। एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर के क्यों, बिकॉज हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो बच्चों, पी से क्यू की बात करोगे, पी से क्यू जो लाइन जा रही है और यहाँ से ए से डी जो लाइन जा रही है वो डी पर क्या कर रही है, बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, बी पर, नॉट डी, दिस इज बी, बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल बन रहे हैं ना, कौन कौन से एंगल है, ये थ्री और ये फोर, तो ये कौन से होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे बच्चों, थ्री। अब देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है आपके पास, वन थ्री के इक्वल है, टू फोर के इक्वल है, और थ्री फोर आपस में अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, कि भैया एंगल वन इक्वल हो जाएगा, इससे पहले हम लिखेंगे बाय इक्वेशन वन टू एंड थ्री, एंगल वन इक्वल एंगल टू, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ बच्चों एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर दी एंड करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है ख़त्म। बहुत ही आसान सा और बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड हमें ये कह रहा है, इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पर, दो ट्राइंगल है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, कोई दो सर्कल है, क्या है बच्चों, दो मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल जो है बच्चों क्या हो रहा है, इस सर्कल के ऊपर हमारा ट्राइंगल बन रहा है ए
बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ये एग्जैक्ट बन जाएगा वैसे आप जब बनाएंगे ड्रॉ करेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये ए बी और ये सी जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल और ये जो दो सर्कल हैं जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट, ये जो डी पॉइंट होगा हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है डी, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन जो है इस डी से पास होके जाती है, ये हमें प्रूफ करना है, या बी सी लाइन के ऊपर डी लाई करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ए बी सी विथ टू सर्कल्स, टू सर्कल्स सेंटर ओ एंड ओ डैश, है ना बच्चों। हमारे पास क्या है, हमारे पास है बच्चों ओ और ओ डैश सेंटर वाले दो सर्कल्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर बना रहे हैं एक ट्रायंगल जिसमें क्या होगा बच्चों, हमारे पास डायमीटर होंगे, डायमीटर ए बी एंड ए सी, ठीक है बच्चों। ए बी और ए सी हमारे पास क्या है, डायमीटर हैं। तो हमें प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूफ हमें लिखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D lies on BC, ठीक है बच्चों। D जो है वो क्या करता है, BC पर lie करता है ना। हम यहाँ पर अब एक चीज़ करने वाले हैं बच्चों, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट होगा AD और जो कि परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसके ऊपर, परपेंडिकुलर होगा बच्चों BC, मान लिया हम कहते हैं कि ये जो BC लाइन सेगमेंट जा रहा है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमें ड्रॉ नहीं करना है, हमें तो ज्वाइन करना है सिर्फ। हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन करेंगे AD को, है ना, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना है कि डी पॉइंट इस BC के ऊपर है या नहीं है, इंटरसेक्शन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें सिर्फ ज्वाइन लिखना है, ज्वाइन AD, ठीक है बच्चों। अब ज्वाइन AD के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है बच्चों कि देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए डी बी की बात अपन करते हैं। देखो बच्चों ये जो डी पॉइंट है अभी हमें कहाँ दिख रहा है, सर्कल के ऊपर दिख रहा है, डी पॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है, सर्कल के ऊपर दिख रहा है, तो एंगल ए डी बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा सबसे पहली बात, ठीक है। ए डी बी आपको कहाँ दिख रहा है, ये ए डी बी जो है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, क्यों है अभी मैं बता रहा हूँ। एक और चीज़ हमें यहाँ लिखनी है कि एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री का होगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और लिखेंगे कि एंगल मेड बाय डायमीटर, ठीक है बच्चों। ये थ्योरम है कि जो डायमीटर हमारा होता है, डायमीटर से जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल तो वो कितने का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर डायमीटर है, बताया ना आपको, ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब अगर एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ऑन एडिंग हम करते हैं बच्चों, ऑन एडिंग 1 और 2 को ऐड कीजिए तो ए डी बी प्लस अगर हम करें ए डी सी तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ए डी बी कितना हो गया, 180। अब ए डी बी और ए डी सी है ना बच्चों, दोनों को ऐड कीजिए तो मुझे मिलेगा बी एंगल बी डी सी, ठीक है बच्चों। ये एंगल और ये एंगल हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें बी डी सी मिल जाता है, बी डी सी 180 डिग्री है, मतलब ये क्या हो जाएगा कि बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि एंगल 180 का हो रहा है, इट इम्प्लॉयज हो जाएगा बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना बच्चों। क्या हो गया, बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, देयरफॉर डी मस्ट बी देयर ऑन लाइन
बीसी है ना बच्चों, बीसी के ऊपर ही होगा ना ये डी, और कहाँ हो सकता है भाई, जब बी सी डी एक लाइन बन रही है, डी पॉइंट उसके ऊपर आ रहा है तो ये लाइन पर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी पॉइंट क्या करता है, इंटरसेक्शन पर लाए करता है, ये प्रूफ हो जाएगा, हम यहाँ इसको यहीं पर कर लेंगे, हैंस प्रूव्ड। आप चाहें तो उस सेंटेंस को वापस से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम वापस उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेनियस ए सी, प्रूव दैट सी ए डी इक्वल टू सी बी डी। देखिए बच्चों, हमें यहाँ लिखना बनाना है सबसे पहले एक सर्कल, ठीक है बच्चों, सर्कल बनाना है जिसके अंदर हमें लेना है ए सी। ए सी क्या है बच्चों, यहाँ पर ए सी इज दी हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों, ए सी क्या है, एक हाइपोटेनियस है, किसकी, ट्रायंगल हम बात करते हैं बच्चों ए बी सी की, ठीक है, ए ए बी सी की हम बात करते हैं, अगर ए बी सी की बात करें, और ए डी सी की बात करते हैं, ए डी सी की बात हम करते हैं, तो ये कॉमन हाइपोटेनियस वाले दो राइट ट्रायंगल हैं, ठीक है बच्चों, दो राइट ट्रायंगल हमें, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमें गिवन है ना, तो हम लिखते हैं बच्चों गिवन, गिवन ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच ए सी इज कॉमन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों, क्या है ए सी कॉमन हाइपोटेनियस है, और हम लिख देंगे यहाँ बच्चों टू प्रूफ, टू प्रूफ में हमें क्या बताना है बच्चों की एंगल सी ए डी, देखिए एंगल सी ए डी को हमें एंगल सी बी डी के इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, मतलब देखते हैं क्या कि देखो कहाँ पर है सी ए डी है ना, ये डी पॉइंट है हमारा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल, ठीक है बच्चों, ये एंगल किसके इक्वल होगा सी बी डी के, तो बी और डी को हम मिला देते हैं, और ये एंगल हमें इसके प्रूफ करके बताना है इक्वल, तो हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल है बच्चों एंगल ए डी सी के, जो कि कितना है बच्चों 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है, और हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ करके लिखेंगे कि बाय टेकिंग ए सी एज अ डायमीटर, ठीक है बच्चों, ए सी को डायमीटर सपोज करके, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल देन बी एंड डी विल बी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं हम ए सी को डायमीटर, ठीक है बच्चों, ये डायमीटर मतलब कि रेडियस ले लेंगे हम ओ ए या ओ सी, और हम बनाएंगे जब सर्कल, तो बी और डी क्या होंगे इसके ऊपर लाई होंगे, सर्कल के ऊपर ये लाई करेंगे, और बच्चों अगर ऐसा हो रहा है 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है यहाँ पर, है ना, ये कॉमन हाइपोटेनियस भी है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर कॉर्ड सी डी, देखो बच्चों सी डी कॉर्ड आपको जहाँ दिख रही है वहाँ से देखिएगा, फॉर कॉर्ड सी डी एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल होगा बच्चों एंगल, एंगल सी बी डी के, ठीक है, सिंस बोथ द एंगल्स, बोथ द एंगल्स लाई इन सेम सेगमेंट, ठीक है बच्चों, थ्योरम हम पढ़ते आ रहे हैं कि सी डी अगर कॉर्ड की बात की जाए तो ये एंगल यहाँ बन रहा है और ये एंगल इसी के ऊपर यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के होगा इक्वल, और हम लिख देंगे हैंस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा द एंड। हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल,
ठीक है बच्चों, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है, साइक्लिक, थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है, आप ड्रॉ अच्छे से करें। पैरेललोग्राम मुझे बनाना है तो मैं बनाता हूँ बच्चों, ए बी सी एंड डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हमें इसको प्रूफ करना है रेक्टेंगल। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिखते हैं सॉल्यूशन, कोई ज़्यादा गिवन टू प्रूफ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक व्हाट पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए में हम प्लस करेंगे एंगल सी को तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, अपोजिट पेयर कितने के होते हैं, 180। ठीक है बच्चों, हमने ये लिख दिया है, अब हम लिखेंगे ऑल्सो, यहाँ पर एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी सिंस बोथ आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, ए प्लस सी को 180 डिग्री लिखना है और ए को सी के इक्वल लिखना है। अब इन दोनों को आप मिला देंगे तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 और एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पर, एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ए एंगल सी 90 डिग्री हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर इसको देंगे 1। ठीक है बच्चों, बात समझ में यहाँ पर आपको आ गई होगी, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ऑल्सो हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पहली चीज़ तो पैरेललोग्राम हो गया, दूसरी चीज़ यहाँ पर ए बी बी और डी इक्वल होंगे, बी और डी एंगल इक्वल होंगे सिंस ए बी सी डी इज अ व्हाट साइक्लिक पैरेललोग्राम, है ना बच्चों। अगर ऐसा हो रहा है, देखो अब यहाँ वापस इसको एम्प्लॉय करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल बी 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल बी इक्वल 180 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, और 90 बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2, कितनी हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हैं। और अब इससे हम ये प्रूफ कर देंगे बच्चों कि सिंस एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी और ये सारे हैं 90 डिग्री के, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों कि देयरफॉर ए बी सी डी विल बी अ रेक्टेंगल, है ना बच्चों, और इसे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ और कंप्लीट, हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर हो जाती है बच्चों कंप्लीट। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 10.5 जिसको कि हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 10.6। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।